हरे कृष्णा, मैं विशाल पाहवा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए कुछ 3 बेस्ट एक्सरसाइजेस, जिसके करने से आपको बहुत जल्द पेन में रिलीफ मिलेगा। आजकल ये काफ़ी कॉमन सी प्रॉब्लम हो गई लोगों में। मेन बात यह है कि काफ़ी छोटी उम्र में ही लोगों को स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको सिर में दर्द, नेक में पेन या बहुत ज़्यादा सीवियर सर्वाइकल हो तो आपकी बाहों में भी नमनेस हो जाती है, सुन सा पड़ जाता है। इसके अलावा सारा दिन आपको कभी कभार चक्कर आने लगते होंगे, सिर घूमता होगा या कुछ समय के लिए आंखों के सामने अंधेरा सा भी छा जाता होगा। तो इसके लिए तो वैसे काफ़ी एक्सरसाइजेस हैं, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से आपके लिए कुछ 3 बेस्ट एक्सरसाइजेस लेके आया हूँ। उनके कुछ वेरिएशन हैं जिसके करने से अगर मिनिमम आप 11 दिन तक करें तो आपका सर्वाइकल पेन काफ़ी ज़्यादा ठीक होने लगेगा या शायद बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। और इसकी अच्छी बात यह है कि आप इसे कहीं भी कर सकते हैं, अपने बेड पर भी या ज़मीन पर मैट लगाकर या मेरी तरह यहाँ कहीं भी सोफे या चेयर में बैठ के। और सबसे अच्छा टाइम रहेगा अगर आप पार्क में कहीं वॉक करने जाते हैं, वॉक करने के बाद करें तो उस समय और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा, क्योंकि उस समय बॉडी काफ़ी वार्म रहती है। बस आपने एक बात का ध्यान रखना है, इसे आपने 1 से 1.5 घंटे के खाने के बाद करना है। और एक और अच्छी बात ये भी है कि इसे हर कोई एज के लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल और इजी एक्सरसाइजेस हैं। चलिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये 3 एक्सरसाइजेस, जिसको आप मेरे साथ भी कर सकते हैं। अब आप बिल्कुल कंफर्टेबल होके बैठ जाएं, बैक स्ट्रेट रखें बिल्कुल, अपने दोनों हाथ नीज के ऊपर या कमर के बगल में, जैसा आपको ईजी लगे। अब पहली एक्सरसाइज करेंगे शोल्डर रोटेशन। अपने शोल्डर को इनहेल करते हुए ऊपर उठाएं और पीछे की तरफ रोटेट करते हुए नीचे लाएं, और फिर आगे से घुमाते हुए ऊपर उठाएं और फिर पीछे से लाते हुए नीचे लाएं। इसमें आपने इनहेल करते हुए ऊपर लेके जाना है और एक्सहेल करते हुए नीचे लेके आना है। इसे आप 5 to 10 टाइम्स कर सकते हैं, 5 से 10 बार। स्टॉप। अब नेक्स्ट वेरिएशन करेंगे, ऊपर लेके आएंगे और इस बार आगे से रोटेट करते हुए नीचे लाएंगे, फिर पीछे से घुमाते हुए ऊपर लाएंगे और आगे से रोटेट करते हुए नीचे लाएंगे। इसमें भी आप ऊपर ले जाते हुए इनहेल और एक्सहेल करते हुए नीचे, इसे भी आप 5 to 10 टाइम्स करेंगे। स्टॉप। अब नेक्स्ट वेरिएशन करेंगे अप एंड डाउन, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए डाउन, इनहेल करते हुए ऊपर। एक बात का ध्यान रखें, झटके से नीचे ना करें, बिल्कुल आराम आराम से ऊपर और फिर नीचे, इनहेल करते हुए ऊपर, पूरा स्ट्रेच को फील करें ऊपर लाते हुए और इनहेल करते हुए नीचे लेके आए। ये हो गई आपकी पहली एक्सरसाइज। अब नेक्स्ट करेंगे एल्बो रोटेशन। अपने दोनों हाथों को आप यहाँ पे रखेंगे और इस तरह लेके आएंगे, इनहेल करते हुए एल्बोस ऊपर, एक्सहेल करते हुए एल्बोस नीचे। इसमें एक बात का ध्यान रखें, हो सके तो अपनी दोनों एल्बोस को टच करते हुए ऊपर लेके आए। अगर टच नहीं भी होता तो कोई बात नहीं, अपनी तरफ से जितनी कोशिश हो सके एल्बोस को करीब लेके आए। ऊपर ले जाते हुए इनहेल, नीचे लाते हुए एक्सहेल, इसे भी आप 5 to 10 टाइम्स कर सकते हैं, 5 से 10 बार। स्टॉप। अब आप रिवर्स करेंगे, पीछे से ले जाते हुए ऊपर लेके आएंगे और फिर एल्बोस को अगर टच हो सके तो टच करेंगे और धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे। इसमें भी आप ऊपर ले जाते हुए इनहेल और एक्सहेल करते हुए एल्बोस को नीचे लेके आए। स्पीड ना ज़्यादा फास्ट ना ज़्यादा स्लो, बिल्कुल नॉर्मल स्पीड, जितना आपको कंफर्टेबल और ईजी लगे। रिलैक्स। अब करेंगे नेक्स्ट वेरिएशन, हाथ इसी तरह यहीं पर रहेंगे आपके, और इनहेल करते हुए एल्बोस ऊपर लेके आए और एक्सहेल करते हुए एल्बोस नीचे। वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने तो मैं हर एक्सरसाइज को
चार से पांच बार कर रहा हो, लेकिन आप इसे 5 to 10 times भी कर सकते हैं। इनहेल करते ऊपर, एक्सहेल करते हुए डाउन। अब नेक्स्ट वेरिएशन करेंगे, हाथ यहीं पे रहेंगे, दोनों एल्बो सामने की तरफ, अल्टरनेट अप एंड डाउन, राइट ऊपर लेफ्ट नीचे। इसी तरह ऊपर नीचे करेंगे, पूरा स्ट्रेच को फील करें बैक शोल्डर में, पूरा स्ट्रेच करें ऊपर नीचे। इसे भी 5 to 10 times ईच कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज रहेगी नेक रोटेशन। इसमें आप बिल्कुल बैक स्ट्रेट ही रखना, आपके दोनों हाथ नीज के ऊपर, और आपने क्या करना है, राइट साइड अपने फेस को घुमाना है इस तरह, एक्सहेल करते हुए पीछे की तरफ देखने की कोशिश करें। इसमें एक बात आपको बताना चाहूंगा, काफी लोग एक गलती करते हैं, जब आप अपने सिर को पीछे की तरफ घुमाते हैं तो आप शोल्डर या अपर बॉडी को भी पीछे घुमा लेते हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका है, आपने सिर्फ फेस को ही घुमाना है राइट साइड, पूरा स्ट्रेच को फील करें। अब वापस लेके आएंगे, अब आप लेफ्ट साइड एक्सहेल करते हुए पीछे पूरा स्ट्रेच करें। यहां पर आपने 3 to 5 seconds होल्ड करना है। एक एक बार और करेंगे मेरे साथ। वापस सामने देखेंगे और एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड रिलैक्स। अब नेक्स्ट वेरिएशन करेंगे, इनहेल करते हुए आपने ऊपर देखना है, एक्सहेल करते हुए नीचे लाएंगे। एक बात का ध्यान रखें, आपको नीचे फेस बेंड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऊपर ही करना है। इनहेल करते हुए पूरा ऊपर ले जाते हुए स्ट्रेच को बिहाइंड द नेक फील करें। एक्सहेल करते हुए नीचे लेके आएंगे। अब इसकी नेक्स्ट वेरिएशन करेंगे, आपने क्या करना है, राइट साइड कानों को शोल्डर से टच कराने की कोशिश करनी है, बेंड करना है अपने हेड को। इसमें एक गलती ना करें, अपने शोल्डर को आपने ऊपर नहीं उठाना, शोल्डर बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में ही रहेगा, आपने सिर्फ कानों के लिए नीचे लेके जाना है। नॉर्मल पोजीशन में आ जाएं, फिर आप लेफ्ट साइड कानों को टच कराएं। ये आपको नेक की जितनी भी एक्सरसाइजेस बताई गई हैं, आपने सबने 4 to 5 times करना है। एक एक बार और करेंगे मेरे साथ। वापस नॉर्मल पोजीशन में आते हुए लेफ्ट साइड रिलैक्स। अब आप करोगे अपोजिट फोर्स, अपने फेस को बिल्कुल सीधा रखें, राइट वाले हाथ को यहां पर रखें, आपने इस तरह नहीं रखना, बिल्कुल नॉर्मल यहां पर रखें, और अपोजिट फोर्स लगाना है, हेड को इस साइड फोर्स करेंगे और हाथों को इस साइड। इसमें भी एक बात का ध्यान रखें, कुछ लोग करते हुए अपने फेस को ऐसे कर लेते हैं, इस तरह ना करें, फेस बिल्कुल सीधा होना चाहिए आपका, और अपोजिट फोर्स लगाएं। अब आप चेंज करेंगे, लेफ्ट वाले हाथ को रखेंगे, यहां पर भी आप 3 to 5 seconds के लिए होल्ड करेंगे, इसे भी आप 3 to 5 times कर सकते हैं ईच। एक एक बार और करेंगे, करते वक्त आपको फेस और नेक में एक हिंड्रेंस होएगी, शेक सा फील होगा, चेंज। एक बार और लेफ्ट साइड रिलैक्स। अब नेक्स्ट वेरिएशन करेंगे, दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए माथे पर रखेंगे, इसमें भी अपोजिट फोर्स लगाना है, 3 to 5 seconds के लिए होल्ड। अब आप पीछे की तरफ, इसमें एक बात का ध्यान रखें, आपने फोर्स लगाते हुए सिर को आगे नहीं झुकाना, ना बिल्कुल पीछे करना है, इसमें आपका फेस नेक बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए, और अपोजिट फोर्स लगाएंगे। एक एक बार और करेंगे, वैसे आप इसे 3 to 5 times कर सकते हैं, एक बार पीछे
रिलैक्स। अब नेक्स्ट और लास्ट वेरिएशन, अपना राइट वाला हाथ लेफ्ट साइड रखेंगे और लेफ्ट वाला हाथ राइट शोल्डर पर, और धीरे धीरे बिल्कुल प्यार से एक्सहेल करते हुए कानों को टच कराएंगे राइट शोल्डर से। आपको यहाँ पे स्ट्रेच बहुत अच्छा फील होगा। यहाँ पे 3 से 5 सेकेंड होल्ड करेंगे, फिर पोजीशन चेंज करते हुए राइट वाला हाथ राइट शोल्डर पर, लेफ्ट वाला हाथ राइट साइड ऑफ योर हेड। धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे एक्सहेल करते हुए। यहाँ पे स्ट्रेच को फील करें, बहुत अच्छा महसूस होगा आपको। इसे भी आप 3 से 5 बार कर सकते हैं और एक एक बार मेरे साथ और करें। एक लास्ट टाइम पूरा स्ट्रेच को फील करें। रिलैक्स। ये हो गई आपकी 3 एक्सरसाइजेस। इसके अलावा 2 चीज़ें मैं आपको और बताना चाहूँगा। क्या होता है कि काफ़ी बार आपको सर्वाइकल में हेडेक, सिर घूमना, चक्कर आना कुछ ज़्यादा हो, तो उस समय आप क्या करें? आपको एक टेक्निक बताने वाला हूँ। अपनी 2 उंगलियाँ यहाँ पे रखेंगे और इसे एंटी क्लॉक वाइज और क्लॉक वाइज घुमाएंगे बिल्कुल आराम आराम से। इसे आप 30 सेकेंड से लेके 2 से 3 मिनट भी कर सकते हैं। करते वक्त आपको बहुत रिलैक्स और अच्छा फील होगा। आपका चक्कर आना, सिर घूमना धीरे धीरे बिल्कुल कम होने लगेगा। बहुत अच्छा महसूस करेंगे ये करते हुए आप। रिलैक्स। और नेक्स्ट इसके अलावा आप कर सकते हैं मन को शांत करने के लिए, और जो आपके चक्कर और सिर घूमता है उसके लिए बताने जा रहा हूँ भ्रामरी प्राणायाम। इसके लिए आपको क्या करना है, मुंह बंद करके 3 बार ओम चैंट करना है और अपने हाथों को अंगूठे से कान बंद करेंगे और 2 उंगलियाँ पहली वाली माथे के ऊपर रखेंगे और बाकी की 3 उंगलियाँ आँखों के ऊपर। ध्यान रखें आँखों पर दबाना नहीं है, बिल्कुल आराम से सॉफ्टली रखें। अपने कानों को बंद करेंगे, 2 उंगलियाँ यहाँ पर, 3 उंगलियाँ आँखों के ऊपर, मुंह बंद करके इनहेल रिलैक्स। इसे भी आप 1 से 3 बार कर सकते हैं। ये सारी एक्सरसाइज करने के बाद आपको बहुत अच्छा और रिलैक्स फील होगा। इसके अलावा आपको मैं एक और टिप देना चाहूँगा। रात को जब आप बेड पे सोने जाते हैं तो कोशिश करें कि विदाउट पिलो सोने की। मुझे पता है बहुत सालों की आदत होती है तो बहुत अजीब लगेगा, लेकिन 3 से 4 दिन अगर आप सो के देखेंगे तो आपका सर्वाइकल पेन में बहुत जल्दी राहत मिलेगी। आपको सचमुच खुद को काफ़ी बेटर फील करोगे। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा और अपनी पेन से राहत मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा।